नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में दोस्तों जय विष्णुमान लिखें, विष्णुमान आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह और तुला राशि की जोड़ी कैसी रहती है, ये एक दूसरे के प्रति कैसे रहते हैं, साथ ही इनका स्वभाव कैसा होता है और ये एक दूसरे के प्यार में कैसे होते हैं। तो दोस्तों, सिंह और तुला राशि के लोग आमतौर पर एक दूसरे के साथ एक बहुत ही उत्तम और दर्जे का संबंध स्थापित करते हैं, जिसमें उनके पास आपस में साझा करने को बहुत कुछ होता है। वे एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं और एक दूसरे के साथ उच्च स्तरीय संबंध बनाते हैं। उन दोनों के बीच असली समस्या तब उत्पन्न होती है जब तुला राशि के लोग उनके बीच की हर चीज को हम के रूप में देखते हैं, जबकि सिंह राशि के लोग हर चीज को केवल मैं से जोड़कर ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ आपसी समझौते के जरिए उन दोनों के बीच की चीजें बेहतर ढंग से व्यवस्थित हो सकती हैं। दोस्तों, साथ ही आपको बताएं सिंह राशि के बारे में। तो दोस्तों, सिंह राशि के लोगों में अलग ही तरह की रचनात्मकता होती है जो उनके मजबूत पूर्व तत्व के साथ मिलकर उनके दृष्टिकोण को भव्यता प्रदान करती है और इसी के साथ ही यह रचनात्मकता उनमें उदार भाव पैदा करती है जो कि भूतपूर्व होती है। वे थोड़े कठोर और जिद्दी होते हैं, लेकिन फिर भी उनका उज्ज्वल और गर्मजोश मिजाज दूसरों को उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। वे स्वाभाविक तौर पर ही लीडर होते हैं और उनमें एक अलग ही तरह की महत्वाकांक्षा और साहस होता है जो कि उनको किसी भी मुश्किल और असंभव लगने वाली परिस्थिति को आसानी से संभव कर लेने की काबिलियत देता है। सिंह राशि के लोगों के मस्तिष्क में हर चीज को लेकर एक स्वतंत्र एवं सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, जिसके कारण ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं होता है जिसे पाना उनके लिए संभव ना हो। अगर सिंह राशि वालों के द्वारा लिए गए निर्णय के कारण कोई गलती अथवा असफलता सामने आती है तो वह ऐसी विपत्ति वाली परिस्थिति में जल्दी से अपना मुंह फेर कर उन्हें अनदेखा कर देते हैं। अगर दोस्तों वहीं साथ ही साथ तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लोग एक स्थिर एवं सूक्ष्म दृष्टिकोण वाले आकर्षण और हसमुख प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वे आमतौर पर बहुत ही चतुर एवं आशावादी लोग होते हैं और जब दूसरों के साथ संवाद करने की कोशिश करते हैं तब वे ज्यादा नाटकीय एवं सबसे आगे रहने को तत्पर प्रतीत होते हैं। तुला राशि के लोग श्रेष्ठ भूमिका में रहना पसंद करते हैं। उनकी स्वतंत्रता उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व होती है क्योंकि वे अपनी चाहत के अनुसार खुद को कभी भी बदल लेने की क्षमता रखते हैं। तुला राशि के लोग कला के क्षेत्र को बहुत पसंद करते हैं, विशेषकर तब जब उनके द्वारा ही कोई कलाकारी प्रस्तुत की जाती है। वे किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेते हैं और ना ही वे अपने निर्णय में लेने में कोई जल्दबाजी दिखाते हैं। तुला राशि के लोग किसी समस्याग्रस्त परिस्थिति में मदद के लिए जल्दी आगे आ जाते हैं, लेकिन जब तक कि वे उस समस्याग्रस्त परिस्थिति को सही तरीके से संतुलित ना कर लें तब तक उसका समाधान करके आगे नहीं बढ़ते हैं। निष्पक्षता एवं शांति जैसे गुणों के साथ अपना जीवन जीते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएं जिस प्रकार सिंह राशि के लोग अपने उदार एवं गर्मजोशी के जरिए कमजोर लोगों की परवाह करना पसंद करते हैं, उसी प्रकार तुला राशि के लोग भी अपने निष्पक्ष एवं ईमानदार व्यक्तिगत के साथ उनकी देखभाल करना पसंद करते हैं। किसी आवश्यकता की स्थिति में सिंह और तुला राशि के लोगों का किसी के साथ होना उसके लिए काफी फायदेमंद साबित ही होता है। जब जीवन में कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो तब भी उन दोनों का आपसी जिंदगी में होना हर किसी के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। सिंह राशि के लोग अपनी वफादारी एवं अथॉरिटी और तुला राशि वाले अपने चीजों को शांत और सरल बनाने के तरीकों को मिलाकर किसी भी हार को जल्दी बड़ी आसानी से अपनी जीत में बदल सकते हैं और सिंह तुला राशि के लोगों के बीच आपसी संवाद कभी कभी उबाऊ तथा असहमतिपूर्ण हो सकता है। सिंह राशि के लोगों के तर्क तुला राशि के तर्कों को दबाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे हर तरह ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि कहीं उनके द्वारा कोई आवश्यक तत्व भूल तो नहीं हो रही है। जब तुला राशि के लोग सिंह राशि वालों को कुछ करवाना चाहते हैं तब वे उन्हें आदेश नहीं देते हैं और शायद उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। वे कभी भी आदेश देने में विश्वास नहीं करते हैं बल्कि वे अपने शब्दों को इस तरह से कहते हैं कि उनका आदेश भी किसी निवेदन की तरह प्रतीत होता है। वे दोनों ही
एक दूसरे के साथ मजाक करना पसंद करते हैं, लेकिन तब तक जब तक कि वो मजाक सिंह राशि वालों के बारे में ना हो। लेकिन तुला राशि के लोगों को समय समय पर किसी मजाक का निशाना बनने में कोई हर्ज नहीं होता है। साथ ही आपको बताएं, तुला राशि वालों को हमेशा प्रफुल्लित रहने, आत्मविश्वास, दूसरों की भावनाओं को बड़ी आसानी से छू सकता है। हालांकि सिंह राशि के लोग भी इससे बराबर अनुग्रहित होते रहते हैं। तुला राशि के लोगों को यह भली भांति ज्ञात होता है कि जब सिंह राशि वालों को अपनी प्रशंसा सुनने की आवश्यकता हो, तब उनके अभिमान पर किसी प्रकार की चोट नहीं लगनी चाहिए। और इसी के साथ ही उन्हें यह भी ज्ञात होता है कि जब सिंह राशि वालों को शांत करने की आवश्यकता होती है, तब उन्हें कैसे शांत किया जाए। वे दोनों ही काफी रचनात्मक होते हैं और उनमें कला को लेकर एक प्यास होती है। सिंह राशि के लोग दूसरों से अपेक्षा के साथ साथ यह मांग भी करते हैं कि वह जो कुछ भी कहें बिना किसी बात के स्वीकार लिया जाए, और साथ ही साथ इसके लिए उनकी कुछ सराहना भी की जाए। उन्हें अपनी असुरक्षा की भावना को देखते हुए दूर रहने के लिए अपनी प्रशंसा करवाने की आवश्यकता होती है। इस प्रशंसा की उचित मात्रा के साथ ही वे एक वफादार एवं सज्जन प्राणी बन जाते हैं, जिसके आसपास रहना हर किसी को पसंद होता है। सिंह राशि वालों का इस तरह का स्वभाव तुला राशि के लोगों को उनके प्रति उदासीन बना देता है, जिसके चलते उन्हें और तुला राशि के लोगों के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं। इस तरह की परिस्थिति से बचने के लिए तुला राशि के लोगों को सिंह राशि वालों की तारीफ करके उनकी तरह झुकने की कोशिश करने की जरूरत होती है। तुला राशि के लोगों को सुंदर चीजें बहुत पसंद होती हैं, क्योंकि सिंह राशि वालों को भी जिंदगी का आसान पक्ष ही बहुत ज्यादा पसंद होता है। इसलिए उनके द्वारा साझा किए गए किसी भी आपसी रिश्ते में पैसे खर्च करने को लेकर कोई समस्या नहीं होती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं, सिंह और तुला राशियों के दोनों के बीच बंधन किसी भी रिश्ते में आसानी से बंध जाता है। फिर चाहे सिर्फ एक व्यापारिक बंधन की बातचीत हो, या फिर दोस्ती हो, या प्रेम संबंध, या फिर शादी की बात क्यों ना हो, सिंह और तुला राशि के लोग एक साथ मिलकर बहुत अच्छे दोस्त, प्यारे भाई बहन, उदास सहकर्मी एवं गर्मजोश रिश्तेदार बनते हैं। उन दोनों के द्वारा स्थापित किया गया बिजनेस दोगुनी गति से फलता फूलता है, क्योंकि वे दोनों यह भली भांति जानते हैं कि किस तरह से अपनी व्यक्तिगत और व्यवसायिक चीजों को संभालना है। एक प्रेम संबंध अथवा एक शादी के रिश्ते में वे दोनों साथ मिलकर एक उत्कृष्ट जोड़ी बनते हैं। उनकी यह जोड़ी तब और बेहतरीन बन जाती है जब उस जोड़े के तौर पर सिंह राशि का पुरुष एवं तुला राशि की महिला शामिल होते हैं। उनके आपसी पैतृक संबंध भी बहुत सरल और सुचारू रूप से चलते हैं, क्योंकि वे दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत ही गर्मजोशी और प्यार करने वाले होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं, सिंह राशि के लोग अधिकारों की मांग करते हैं, नहीं तो वे दूसरों पर अपना राज चलाने के लिए मचलते रहते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। तुला राशि के लोग भी अधिकारों की शक्ति चाहते हैं, नहीं तो वे स्वयं को अधिकार नहीं दिए जाने पर निराश और कभी कभी भ्रमित भी हो जाते हैं। उन दोनों के गुणों का कारण उनके बीच सामंजस्य स्थापित बोध करता है, जिसके चलते सिंह राशि के लोग अभिमानी और तुला राशि के लोग झगड़ालू बन जाते हैं। इसी के साथ ही तुला राशि के लोग कभी कभी एक ही बात पर बार बार बहस करना पसंद करते हैं। उनकी यह हरकत जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तब यह उनके और सिंह राशि वालों के आपसी रिश्ते में संघर्ष और चिड़चिड़ाहट पैदा कर देती है। लेकिन अगर सिंह और तुला राशि के दोनों के लोगों के बीच की चीजों और गुणों का आदान प्रदान होता है, तो फिर वे दोनों आपस में एक व्यक्तित्व और सच्चा संबंध साझा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, तो साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट जय विष्णुमान लिखें, विष्णुमान आपकी मनोकामना पूरी करें।